ये जगह का नाम सहावर, जो कि यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। यहाँ पर सहावर के पास में एक जगह है जहाँ सुभाष सिंह, सुभाष करके उनकी सुपुत्री की शादी है, और हम यहाँ एडवांस में जल्दी आ गए हैं। तो यहाँ पर अभी टेंट का सामान कुछ बना हुआ रखा हुआ है, और यहाँ पर कुछ खाने की तैयारी चल रही है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारा खाना में क्या ये बना रहे हैं। ये हमारे चाचा जी, नाम गंगा प्रसाद, जो मेरे फादर के बीच वाले भाई थे, और एक शिवराज सिंह जी जो सबसे छोटे थे। तो अभी चाचा जी ही यहाँ पर अवेलेबल हैं, और बाकी दोनों भाई इनके स्वर्गवासी हो गए हैं। इनके सुपुत्र ये सहावर, जो कि यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर हमारे चाचा जी के, जो कि गंगा प्रसाद जी, अभी मैंने उनका वीडियो दिखाया था, तो उनके सुपुत्र सुभाष ये हैं। ये सुभाष जो मेरा भतीजा भी है, आज अच्छा ये भाई है। चलो मेरे लगता है मैं ज्यादा बड़ा हो गया, तो ये भी बड़ा तो हो ही क्या होगा। तो ये भाई है, तो आज इनकी सुपुत्री की शादी है, और हम दिल्ली से चलकर थोड़ा जल्दी आ गए हैं। तो यहाँ पर आके ये बहुत सारे से जो पुराने पुराने लोग हैं हमारे उस गांव के, जिसको जन्म स्थान कहते हैं, तो वहाँ से भी यहाँ आए हुए हैं। और ये मैडम हैं जो कि दिल्ली से आई हैं। ये तुम्हारी कौन लगती हैं जो आई हैं? अच्छा, तुम्हारी भाभी लगी। अच्छा चलो, कम से कम इनको रिश्ते तो याद हैं। भाभी ही अब तक जो रिश्ते हैं जंगलपुर के, वो निभाती रही हैं। और यहाँ पर जो शख्सियत हैं, वो हमारी बुआ जी, जो मेरे फादर की बहन थी, हैं ठीक बोला, बेटी हैं, बहन जी हैं हमारी। तो ये बुआ जी की पुत्री, अब तो वक्त बहुत गुजर गया है, शायद बुआ जी का चेहरा भी हमको बड़ा कम याद है। वैसे वो गोविंद राम, उनका जो आड़त थी गोवर्धन आड़त थी, जो कि कासगंज में बड़ा मशहूर आड़त थी, वो उनके ओनर थे, और बुआ जी की ये सुपुत्री है। तो यहाँ पर सहावर में सुभाष जी के इस फंक्शन में मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, और आपसे मिलके हमें बहुत खुशी हुई है। और अगली जो, अब इनको मैडम कहें या कुछ बहन कहें, तो हमारे वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम यही कहेंगे कि ये अगली शख्सियत हैं। तो ये हमारे चाचा जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी सुपुत्री हैं। आज मुझे लगता है कि हम कई साल के बाद मिले होंगे। तो आपको पता है कि हम पहले कब मिले होंगे, कितने साल पहले? ब्याह में कनके में आए थे, तब मिले। अच्छा, तो उसको भी कई साल हो गए होंगे। तो यूं तो हमारा जंगलपुर एक यूपी में गांव है, जो हमारा जन्म स्थान है, पर गांव में जब जाते हैं तो इसी तरह से घर मड़ैया होते हैं, और पुरानी यादें जरूर ताजा हो जाती हैं। तो यहाँ भी, यहाँ से हम आज इनसे मिले हैं, बट शायद हमें याद नहीं कि पहले हम कब मिले थे, बट मिले हैं। तो चलो आज इनका भी हम स्वागत करते हैं। भगवान आपको ऐसे ही जब भी मिले, ऐसे ही आपको खुश दिल और हंसते हुए मुस्कुराते हुए मिले। ये भी जंगलपुर गांव, वहाँ से इनको भी बुलाया गया है, क्योंकि जब तक शादी में बुजुर्ग ना हो तब तक शादी की रौनक नहीं होती है। पता नहीं कब बुजुर्ग की सलाह की जरूरत पड़ जाए, तो उसी में ये भी आई हैं। तो इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। आपका नाम क्या है? हाँ, राम दुलारी। राम दुलारी, देखा ना, पहले के नाम ऐसे ही हुआ करते थे।
और कितना इतना कह के, और ये हंसी है चेहरे पे, बड़ा मुस्कान आई है शायद कई सालों के बाद। तो मैं इनका और इनसे भी नाम पूछ लेता हूँ, आपका नाम क्या है? भगवान देवी। भगवान देवी, हाँ वो चाचा की पुत्री का नाम भगवान देवी था। आप भी अपना नाम बता दें। हमारा हरदेवी नाम है। अच्छा, हरदेवी तो मुझे लगता है बहन ही हुआ करती थी। और मैं तो भाई और का मामा अच्छा। के लड़का तू? हाँ हम बुआ के लड़की। हाँ समझो, तो आप अकेली थी बहन या और भी कोई था? और है मंजू, मंजू है माँ छर्रा में। पर हम हरदेवी को आप ही को जानते थे, आप ही का नाम हमें याद था। बुआ जी को भी फेस से कुछ कुछ याद आता है क्योंकि वो आप ही की जैसा मिलता था। सही बात। और वो मेमड़ी वाली बुआ थी एक और। तो यहाँ पर मैं आगे पर, ये अभी इन्होंने नहाया धोया और अपने केस संभाल रही है। ऐसे तो गांव में ऐसे फोटो बड़े मुश्किल से मिलते हैं, पर आज मैं आया हूँ तो शायद इनसे मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। आपका क्या नाम है? राम बेटी। राम बेटी। राम बेटी, अच्छा। तो आप सुभाषी की क्या लगती हो? सड़वायन। सड़वायन, तो थोड़ा सा और बताओ ताकि मैं सड़वाइन समझ जाऊं। बड़ी बहन है सुभाष की बहू की। अच्छा, सुभाष की बहू की बड़ी बहन है। वो तो साली होती हैं। साली छोटी होती हैं। अच्छा, साली होती हैं छोटी और सड़वाइन होती हैं बड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं इनसे मतलब छोटी वाली से मजाक कर लेते हैं और सड़वाइन से मजाक नहीं कर पाते। अरे बोलो इधर ऊपर देख के। कर लेता हुए। अच्छा कर लेते हैं। चलो, आप कौन से गांव के रहने वाली हो? नगला गिजाई। नगला गिजाई। गिजारी गिजाई को नगला। गिजाई तो नहीं जिसके बहुत सारे पैर होते हैं। गिजाई। अच्छा चलो, थैंक यू। वीडियो बनाना और वीडियो बना के इंटरव्यू लेना, ये दोनों ही हमारा तो कर्तव्य है कि हम जिसको दिखाएं उसको उससे पूछे भी। बट यहाँ पर क्या है कि एक शर्म नाम की बात होती है कि रिश्ते में कोई ससुर लगता है, कोई कुछ और लगता है, ऐसा पर्दा जो होता है। तो पर्दे के वजह से ये जो है ये अपना मुंह ढाक के रखती हैं। तो यहाँ पर ये मुंह खोलेंगी नहीं, बट मैं इनसे ऐसे पूछ लेता हूँ कि ये वैसे सुभाष के लड़के की बहू हैं, तो ये एक थर्ड और फोर्थ जनरेशन है। तो मैं इनका तहे दिल से स्वागत भी करता हूँ, और यूं तो बहुओं का स्वागत कोई करता नहीं है, बट मुझे तो फर्ज बनता है कि मैं जरूर स्वागत करूँ। आप बताएंगे कहाँ की रहने वाली हो आप? मायका नगला प्रांसो। नगला प्रांसो। प्रांसो, वो कौन से उसमें पोस्ट ऑफिस में पड़ता है? कासगंज में। तो यानी यहाँ से तो फिर पास ही में है। तो आप यही रहती हो? और जंगलपुर में रहती हूँ। चलो, तो ये जो कि पर्दा को हमने हटा के और अब ये बताएंगे कि आपको अपने आज किसकी शादी है यहाँ पर? ननद की। आपके ननद की शादी है। कौन सा दिन है आज? शनिवार। आज शनिवार के दिन 11 तारीख 11 दिसंबर जो कि 2021 में ये आज हो रही है। तो यहाँ पर हम इत्तेफाक से आए, तो आपको कैसा लगा हम लोग यहाँ आए? अच्छा लगा। पहले भी कभी देखा था? देखा था किस सामने वालों को या मुझे? या मुझे भी देखा था। चलो, इस पहचानने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, धन्यवाद। एक होता है शहर, एक होता है नेशनल सिटी, इंटरनेशनल सिटी। बट यहाँ पर हमारे सहावर सिटी, जहाँ पर जो कन्या बड़े सादा सिंपल ड्रेस में अभी पहनी है बैठी है, और अभी आपकी कौन सी रस्म चल रही है ये? अबे तुम्हारा आज क्या क्या रस्म हो गई, जैसे तूने मेहंदी रखवा ली। हाँ, ये देखो मेहंदी की रस्म है, और इसे कितनी अच्छी मेहंदी रखाई है। मैं मेहंदी दिखा देता हूँ, ये तो पैर वाकई बहुत अच्छे डिजाइन है। ये मैं दोनों पैरों को दिखा देता हूँ, ऐसे तो कन्या के पैर पूजने लायक होते हैं, बट यहाँ हम कैमरे से पूज देते हैं। तो आपको अपनी मेहंदी किसने लगाई है?
मेरी दीदी ने लगाई है। तो वो दीदी कहाँ है? वो बाहर गंज। अच्छा दीदी जी इन्होंने मेहंदी लगाई पर हाथों में कब लगाएंगे? हाथों में अभी नहाएंगे उसके बाद लगवाएंगे। अच्छा चलो, तो आपकी ये शादी कहाँ से हो रही है? बरेली जिला। अरे बरेली जिला। चलो हमें यहाँ पर आने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आप हमारे कन्या के समान, मेरी खुशियाँ, भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगी और आप ऐसे ही खुश दिल रहें, मस्त रहें और अपना आगे का जिंदगी खुश में गुजारें। नहीं नहीं, ये कन्या भी अभी शादी बारात आने में कुछ टाइम, कुछ घंटे बाकी हैं और ये बड़ी नहा धो के कपड़े पहन के बैठ गई है। क्या नाम है आपका? सरिता। रीता। दोबारा बोलो। सरिता। सरिता तो लड़के का नाम नहीं है। अच्छा कहाँ, आपके फादर का क्या नाम है, पिता का? अच्छा तो हमारे चाचा जी शिवराज सिंह जी थे, उनके दो सुपुत्र थे, उनमें ये यादराम उनकी कन्या है। आज इस शादी में हम पहली बार मिले और ऐसे ही ये डांस वांस कर लेती है, नाच लेती है थोड़ा है। देखा, आपको शहरों में तो मिलता ही है पर असली गांव में भी नाच मिलता है। ये कन्या कितने खुश हो के बता रही है। चलो धन्यवाद। तो एक नई शख्सियत आप देखेंगे कि गांव में अलग अलग, सिर्फ कपड़े ही कुछ अलग हो सकते हैं बट मन के अंदर जो शादी के प्रति जो चीज़ें होती हैं वो सब यहां पर हैं। ये देखो इन्होंने मेहंदी रचाई हुई है, ऐसे तो हम मेहंदी के फोटो बहुत लेते हैं बट यहाँ भी इसने बहुत अच्छी मेहंदी लगवाई है। अपने आप लगाई है? लगवाई है। और दूसरे हाथ में भी? अभी नहीं। अच्छा, और इसने देखो एक वो पायल सी पहन रखी है, वो पायल दिखाना, इसको क्या कहते हैं? पायल कहते हैं। अच्छा ये चांदी की होती है सोने की होती है? चांदी की। अच्छा ये तो दो है इसमें, तो दो दो पहन रखी है, और का है? इससे तुमको वजन नहीं लगता? क्या नाम बताया? रेखा। तो रेखा ये तुमने एक मेहंदी रचाई, पाँव में आपके पायल है, इधर आओ। तो आपको पता है कि जो पाँव में जिसके पायल होती है, इधर देख, जिसके पाँव में पायल होती है ना उसको डांस करना जरूर आता है, नाचना जरूर आता है। तो तुमको क्या लगता है, सही बात है? वेरी गुड। तो आज देखेंगे कि शाम को आप डांस में कितना हाथ आजमाएंगे, उस टाइम का हम इंतजार करेंगे। और आप यहाँ कौन से गांव से आई हैं? नगला बदिक। वो कहाँ पर है? अच्छा कासगंज के ही पास है। चलो साले की लड़की है। अच्छा सुभाष के साले की लड़की है। चलो वेरी गुड, ये भी अब पूरी तैयारी करके शाम को पूरा डांस करेगी। डांस कर रहे तुम्हारे दो जन को? ये जो आज यहाँ कन्या की शादी है उसके माँ, यूं तो हमारे यहाँ पर यूपी में ये जो पर्दा पद्धति है वो काफी प्रचलित है और यहाँ पर ये लोग पर्दा के साथ रहते हैं बट हम किसी के दिल को भी नहीं छुपाते, रोकते, क्योंकि उनके दिल के अंदर ये पर्दा करना है तो जरूर करें। एक तरफ शहर जो ये बैठी हैं और दूसरी तरफ सहावर जहाँ ये बैठी हैं। तो आज आपकी लड़की की शादी है? ये पहली लड़की है? बड़ी, सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी लल्ला है पहले। अच्छा दूसरी है? ये दूसरे नंबर की है। अच्छा तो लड़के की शादी हो चुकी है और उनके दो बच्चे हैं। तो सावर में आपको कैसा लगता है? अच्छा। जंगलपुर में? नहीं, एक्चुअली क्या है कि जंगलपुर वो नाम से ही जंगलपुर था। यूँ तो जंगलपुर जब हमें पता है कि हम जब छोटे, अब तो हम शायद 60-62 साल के हो चुके हैं बट उस टाइम में जब कुछ 5-6 साल के रहे होंगे तो उस गांव के जब भी बारिश हुआ करती थी तो उसके गांव के चारों तरफ पानी भर जाता था, शायद आपको याद होगा। और वो पानी जब भर जाता था तो पानी भरने के बाद
जब लोग गांव में घुसते थे तो सच बताते हैं कि पहले तो यूं समझे कि जब हम एटा से उस गांव को जाते थे, बस में से उतर के जो नीचे खड़े होते थे तो गांव से पूछते थे किसी आदमी से कि भाई साहब वो जंगलपुर जाने का रास्ता क्या है, सीधा रास्ता और सूखा रास्ता बता दो। तो बोलता था कि आप अपना तो वो आदमी कहा कर हम पूछते थे उससे कि भाई साहब ये जंगलपुर जाने का सूखा रास्ता और सीधा रास्ता बता दो। तो बताया करता था कि भाई साहब आप अपना जो पैंट है ना, पैंट और जूते उतार के हाथ में ले लो और फिर ना किसी चले जाओ, क्योंकि पानी जो था 4 फुट पानी, कहीं 4 फुट 5 फुट पानी होता था और जब्बड़ 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 करते हुए जंगलपुर गांव में घुस जाया करते थे। तो वो टाइम था जबकि मुझे लगता है कि 1965-1970 का दौर था वो। उस टाइम में जब लोग घर में जाते थे और जो खाट होती थी उस खाट के ऊपर जब बैठते थे तो पांव धो के तब बैठा करते थे, जैसे ही वो उतरता था तो वो कीचड़ में उतरता था, क्योंकि उस पूरे गांव में कोई चप्पल नहीं पहनता था, जूते नहीं पहनता था, क्योंकि नीचे तो कीचड़ ही कीचड़ था, सारे गांव की गलियों में कीचड़, घर में जो छप्पर होते थे उनके नीचे भी पानी घुस जाता था। ऐसा गाँव जो था, गाँव के अंदर सारा कीचड़ हो, पानी हो और वहाँ पर जो लोग रह रहे हों, तो वो किसी जंगल से कम नहीं था, इसीलिए शायद उसका नाम जंगलपुर रखा गया। आज हम उस जंगलपुर के नाम की बढ़ाई करें या बुराई करें, पर क्योंकि वो एक जन्म स्थान है तो हमारा फर्ज बनता है कि उसके बारे में थोड़ी सी याद जरूर ताज़ा करें, तो इसीलिए मैंने उसको बताया। ये रमेश की लड़की, पहले बाहर भी हमारा इंटरव्यू हुआ और उसकी जो फेस का जो बनावट है वो बिल्कुल चाची की तरह में दिख रहा है, कि चाची तो बड़ी दिखती है बट ये उसका छोटा रूप है। तो इस कन्या का भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। गांव में, मतलब शहरों में तो ऑटोमेटिक मशीन होती है, जहाँ पर लोग एक बार मशीन में कपड़ा डाल देते हैं तो वो अपने आप पानी लेती है, अपने आप साबुन लेती है। और यहाँ जब आप गांव में आएंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके से साबुन लगाया जाता है, उसको ब्रश से रगड़ते हैं तब जाके कहीं कपड़ा धुल पाते हैं। पर सफाई, चाहे गांव हो या शहर, कहीं भी हो, हर जगह पर एक ही तरह से की जाती है। तो ये गांव का इंटरनल, घर का इंटरनल वीडियो, और यहाँ बाहर कुछ खाने की तैयारी चल रही है। तो मैं यहाँ पूछता हूँ, आप कहाँ से आए हैं जी? जमालपुर। मुलायम सिंह नाम है। आपका क्या नाम है? मुलायम सिंह। मुलायम सिंह, तो ये नाम तो यूपी में आए और फिर मुलायम सिंह नाम याद आए तो फिर आपका तो कहीं ना कहीं नाम तो आगे जुड़ जाता है, बट यहाँ भी आप आए हैं तो बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग यहाँ धूप का स्वाद ले रहे हैं। ये कुछ बाहर से सदस्यगण आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हो भाई? बदायूं से। हैं? बदायूं से। बदायूं? तो आप क्या लगते हैं हमारे सुभाष के? दामाद लगते हैं। हैं? दामाद लगता है, रमेश भाई के दामाद हैं। अच्छा अच्छा, चलो दामाद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने पहली बार मिले हैं तो यहाँ पर ऐसा समय जाके ऐसे लोग रिश्ते में जो खास लोग होते हैं उनका दर्शन होना बड़ा मुश्किल होता है, बट आज आप मिले दिल खुश हो गया। और आप बताएंगे जी आपका क्या नाम है? कल्लू सिंह। हैं? कल्लू सिंह। कल्लू सिंह, तो आप कौन से गांव के रहने वाले हैं? समसपुर डेंगरी। समसपुर डेंगरी, तो आप क्या लगते हैं, ये सुभाष क्या कहते हैं आपको? चाचा कहते हैं। समसपुर डेंगरी, रिश्ता कुछ भी हो, आज के टाइम में रिश्ते सिर्फ अपनी दोस्ती और उनसे बनते हैं। तो यहाँ पर हमारे चाचा जी के ये भाई हैं, सुभाष जी कहते हैं, बट इन्होंने जो गांव का नाम बताया समसपुर, वो हमारे नानी का भी घर हुआ करता था, शायद इनको नहीं पता, पर यहाँ आने पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बताएं जी आपका क्या नाम है? मोतीलाल। तो आप कौन से गांव के रहने वाले हैं? बनपरा। अच्छा, तो आपके सुभाष जी क्या लगते हैं? दमाद लगता है सुभाष। अच्छा, ये भी दमाद लगते हैं।
दामाद लगते हैं मतलब उनके तुम ससुर जी हो। हाँ। अच्छा वेरी गुड, ऐसे ससुर जी का तो मैं दिल से स्वागत करता हूँ। ये बड़ा गलत बात है कि आज मैं इत्तेफाक से मुझे मौका मिला जो कि मैं यहाँ आ गया और आने से एक रिश्ता नहीं पता नहीं कितने रिश्ते और बन गए तो यहाँ पर आने के लिए। और आप अपनी मूंछ का जो स्टाइल आज भी मेंटेन किए हो ऐसा ही करे रहो क्योंकि इससे अपना हमेशा जोश रहता है, बुढ़ापा नज़र नहीं आता। चलो थैंक यू। और जी आप लोग क्या? नमस्कार साहब। नमस्ते जी, नमस्ते। आप लोगों ने यहाँ आके हमारा वेलकम किया, नमस्कार किया, आपके लिए भी हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद साहब। तो आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं? साहब प्रोग्राम संभालने के लिए आए। वेरी गुड। जमालपुर से हैं, मेरा नाम थान सिंह है, ये सुभाष हमारे बुआ के लड़का लगते हैं, यहाँ आए सामान का देखभाल करने। अच्छा तो मतलब ये जो पंडाल और ये जो खान पान सेवा इसका या पंडाल का डिपार्टमेंट आपका है? अपने स्वयं घर से ही है। अच्छा घर के मेंबर? घर से ही मेंबर। अच्छा अच्छा वेरी गुड। और आप जी? हम बच्चू सिंह जमालपुर से ही। अच्छा आप भी जमालपुर से हैं, तो जमालपुर तो यहीं कहीं होता है? पास में ही साहब। हाँ तब तो इनका पुरानी जान पहचान है। 600-700 किलोमीटर 600 मीटर पड़ेगा। हाँ वेरी गुड। चलो जी और आप? जमालपुर के। अच्छा आप भी जमालपुर के हैं। चलो आप तीनों जमालपुर के उनके पड़ोसी हैं और उनके साथ आप ही लोग निभा रहे हैं तो इसीलिए शायद उन्होंने यहाँ मकान बनाया और यहाँ पर उन्होंने रहने का फैसला किया है। बड़े सौभाग्य साहब आपके दर्शन हो गए, आपके दर्शन हो गए साहब, बड़े सौभाग्य हम लोगों के। चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप इस वीडियो को कहीं यदि आपके पास एंड्रॉइड टीवी है तो वहाँ भी देख पाएंगे? ठीक है सर। एंड्रॉइड मोबाइल है तो देख पाएंगे? ठीक है सर। और ये एक शख्सियत अकेले से बैठे हैं, इन्होंने मूंछ नीचे की हुई है, उधर तो मूंछ ऊपर थी। अच्छा, पर इन्होंने मूंछ नीचे की है तो क्या आपकी कचौड़ी ठीक नहीं बनी? अरे नहीं ड्रॉप बनी है। तो आप क्या ये कचौड़ी और ये सबका इन्हीं का आपका जुम्मा है? हाँ जुम्मा है। तो आप बताएंगे आपका नाम क्या है? चेतराम। चेतराम जी, तो चेतराम जी ये बताओ कि क्या क्या बना रहे हो आज? आज पूड़ी बन रही है, कचौड़ी बन रही है, लड्डू भी हैं। अच्छा अच्छा। और आप रहने वाले कहाँ के हो? जमालपुर। क्या बात है, जमालपुर वाले सारा खाने में लगता है कि आप लोग बड़ा बढ़िया खाना बनाओगे। पूरी पार्टी पूरी जमालपुर की है, हमारे भाई भांजे की पूरी टीम जमालपुर की है। अच्छा वेरी गुड। लेबर सब जमालपुर का है। अच्छा देखो यहाँ पर इधर भी जमालपुर, इधर भी हाँ जी वो जा रहे हैं, वो भी जमालपुर के ही। तो यहाँ पर ये जमालपुर सब जमालपुर के जो लोग हैं इन्होंने कुछ कचौड़ियाँ यहाँ पर बना रहे हैं। ये किस चीज की कचौड़ी है जी? धांस की है। धांस की कचौड़ी है। तो मैं इस रूप से पहले खस्ता कचौड़ी है। तो आपने पहले कचौड़ियों को पहले एक बार सेका था और फिर दोबारा से निकाल के रख दिया और फिर दोबारा इसमें डाला, अब इनको पक्का सेकोगे? पक्का हो रही। तो ये फिर अब कई दिन तक चल जाएंगी? एक हफ्ता तक। एक हफ्ता तक रखे रहो, चलती रहेंगी ये। अच्छा तो एक हफ्ते तक तो फिर वो चाय के साथ खाते हैं ना? चाय के साथ सुबह में खाओ, जैसे मर्जी खाओ, सब्जी के साथ खाओ, रायते के साथ खाओ। देखो ये चाय ऐसे खाओ। ये जो हलवाई होते हैं, अब ये हलवाई तो इनको अभी मत कहो क्योंकि ये अभी लड्डू नहीं बना रहे, ये इनको हलवाई के बजाय मुझे लगता है कचौड़ी भाई बोलना चाहिए। तो ये लोग जो है अभी बना रहे हैं और ये स्वाद बता रहे हैं कि कचौड़ियों को रायते के साथ या फिर चाय के साथ सादा खाइए और सादा खा सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसका रॉ मटेरियल भी दिखाता हूँ कि कचौड़ी आखिर बनती कैसे है। तो ये एक आटा इन्होंने लिया और देखो किस तरीके से इसको गोल गोल कर रहे हैं और इन्होंने इसमें से ये थोड़ा सा ये लिया, इसको बोलते हैं धांस, और धांस को इन्होंने कचौड़ी में आटे में मिलाया और इसको फिर ये मैं पास से दिखा देता हूँ ताकि आप लोग वीडियो पे क्लियर देख के बना सकें। तो ये कचौड़ी बन गई और इस कचौड़ी को उसमें सेकते हैं। अब ये बताओ इधर को मेरी तरफ देख के, ये आपको कचौड़ियाँ जो है धांस वाली कचौड़ी बनाते बनाते कितने साल हो गए? कितनी कब कितने साल की थी तब से बना रही हो? करीब 15-20 साल होगा इनको बनाते बनाते। अच्छा हाँ जी। तो आपने ये कचौड़ियाँ जो बनाते हैं लोग तारीफ भी करते हैं? बहुत बहुत तारीफ करते हैं साहब, दिल्ली और कलकत्ता तक आते हैं खाने को। क्या बात है। तो ये देखो इन्होंने
दिल्ली का, क्योंकि मैं भी हूँ, तो आप इससे अंदाजा लगाओ कि शायद आज कचौड़ियाँ खाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और तुम्हारे आनंद विहार है, गाजियाबाद है, वहाँ से बरातें आती हैं। अच्छा, तो लोग खा के जाते हैं, तारीफ करते हैं। अरे वाह, तो ये यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट मतलब सावर, और सावर में यहाँ पर ये जमालगंज की पार्टी है, जमालपुर, तो जमालपुर की पार्टी। और यहाँ पर देखो ये पूड़ियाँ हैं, पूड़ियाँ बनने के लिए ये गोले बन रखे, और ये यहाँ पर सब कोई मुंह ढाक के, कोई बिना मुंह ढाक के पर्दा के अंदर रहते हुए, पर साफ सफाई पूरा करते हैं, साफ सफाई के साथ ये काम करते हैं। और एक ये सुपरवाइजर जी हैं, आप भी कुछ ध्यान रखते हो कचौड़ी बनते हुए। ऊपर देखो, क्या नाम है आपका? मोरपाल। तो आप ये कचौड़ियाँ ठीक नहीं बन रही, इसका ध्यान रखते हो? मैं तो बनाता हूं। आप बोलो, ये मेरी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेदारी। हाँ, तो देखा, इनकी जिम्मेवारी है ये खाने से पहले। उसकी मल्ली में ही लगाता हूं। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने जो हलवाई हैं, अभी तो ये हलवाई का मतलब लड्डू नहीं बनाए, तो इसीलिए हलवाई कहने में मुझे संकोच हो रहा है। नहीं, सारा कुछ बन गया साहब। बट बन गया है शायद। अब इन्होंने देखो ये, पर तुमने चाय और नीचे पानी क्यों डाल रखा है? गरम पानी है साहब, सब दीवार वाले साहब को पिलाओ। नहीं, अभी तो कम करो, कम बंद थोड़ी होगा। हाँ जी, तो ये चाय जो मेरे हाथ में मोबाइल था, ये चाय के नाम से ये भाई साहब नीचे जंप कर गए, शायद मोबाइल नहीं चाय पीने का दिल बना लिया था। तो ये ठीक है, अभी भी कंटिन्यू है वीडियो, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि ये चाय आ गई। और इन्होंने एक है कि ये एक जग में चाय बना के रखी हुई है, और ये पानी में, तो ये पानी क्या है, गर्म पानी है? इन्होंने क्या है कि एक हॉट वाटर में ये जग रख दिया ताकि चाय जो है थोड़ी देर तक गर्म बनी रहेगी। वाह, क्या बात है, ये हलवाइयों का वाकई मुझे लगता है कि हलवाइया तो राम का ही भैया है। हाँ, गलने में पोई पोई में रस भर दिया उसने। चलो, क्या बात है, आज इनकी बातें हमें बहुत अच्छी लग रही हैं, और इन्होंने जिस एनर्जी के साथ बखूबी जो खाना बना रहे हैं, बहुत अच्छा खाना बनाएंगे आप लोग साहब। कचौड़ी, अच्छा थोड़ी कचौड़ी है साहब। अच्छा, ये इन्होंने कचौड़ी भी बना दी है, बट अभी तो यार वो बारात खाती है ना, उसके बाद खिला दें। बारात बाद की बात है, आप आओ चेक करो साहब, चेक करिए। अच्छा, इन्होंने कचौड़ी भी पेश की है, तो चलो इनकी कचौड़ी का भी स्वाद लेते हैं। कचौड़ी चेक करो आप, शायद ये कचौड़ी का अभी मैंने टेस्ट लिया है, ये वाकई कचौड़ी बहुत खस्ता और करारी और क्रिस्पी, ये तीनों ही चीजें इसमें अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि जमालपुर जी सर, अपना खाने बनाने के लिए और इस पूरी टीम के साथ, इस पूरी टीम के साथ ये सारी टीम यहाँ पर, जो हलवाई जमालपुर के लोगों ने जो बनाया, उन सब के लिए और इस आटा गूंथने वाले जेंटलमैन के लिए भी मैं तहे दिल से इन सबका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, आपके द्वारा बनाई गई कचौड़ी जो मैंने अभी तक खाई वो स्वाद में बहुत अच्छी। थैंक यू, धन्यवाद।